हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वंडरिंग वुमनिया में आपका स्वागत है। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम महाना खून जाएंगे, तो आज हम जा रहे हैं महाना खून और उसके लिए हमने बस पकड़ लिया है जो कि हमारे होटल के जस्ट बाहर ही हमें मिल गई। और हम बस से क्यों ट्रैवल करते हैं, आप देखिए ये पूरा नीट एंड क्लीन है और पूरा खाली रहता है। और प्लस ये अच्छा है कि एयर कंडीशन रहता है, धूप में हमें मतलब बाकी अदर बाय ऑटो और ये सब से जाने से बेटर वो ज़्यादा अच्छा रहता है बस, और सस्ता भी है। तो ये जस्ट आपको महान खून के बाहर ही छोड़ देता है अपोजिट साइड में और आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं जिसका नाम है किंग पावर महाना खून, जो कि थाईलैंड का सबसे टॉलेस्ट टावर है गाइस। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टावर भी है, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि ये पूरा स्काई वॉक है। जो उस पर आप जब स्काई वॉक पे आप वॉक करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में वॉक कर रहे हो। तो आपको मैं आगे दिखाती हूँ गाइस। तो ये हम आ गए हैं महाना खून के जस्ट, अब एंट्री लेने के लिए जाएंगे। तो आप बाहर से देख सकते हैं कि कितना ये ऊपर है, जो हमारा कैमरा भी हमें रोटेट करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे टावर हैं बट ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये मंडे टू संडे ओपन रहता है, आप किसी भी दिन जा सकते हैं। और ये इसका टाइमिंग है मॉर्निंग का 10:30 से 3:30 बजे और इवनिंग का 4 से 6:30 बजे। तो हमने इवनिंग का टाइमिंग लिया है जिससे हम सनसेट इन्जॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग का चार्जेस है 880 बात और इवनिंग का चार्जेस है 1080 बात। तो यहाँ पे ये लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं पूरा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये लोग पिक्चर्स क्यों क्लिक कर रहे हैं। ये लोग सबका पिक्चर क्लिक करते हैं। और ये अंदर ही अब लिफ्ट के लिए अब हम जा रहे हैं। तो ये लिफ्ट की लाइन लगी हुई है और ये पूरा ऐसे लोग ने बनाया है स्क्रीन जैसा, तो आप फोटो भी ले सकते हैं, डिजिटल स्क्रीन जैसा है ये। तो गाइज ये आपको पूरा ऊपर जाने के लिए 74th फ्लोर पे आप जाओगे और ये 480 के स्पीड में लेके जाती है पर आर के हिसाब से। तो गाइज मतलब जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड ये भी पकड़ता है और आप ऊपर जाते हैं एक आपको 50 सेकेंड भी नहीं लगता है। तो अभी हम लिफ्ट में जा रहे हैं, तो आप देखिए गाइस ये 480 की स्पीड में हमें मतलब 40 to 45 सेकेंड में ही पहुंचा देता है 74th फ्लोर पे। और अंदर ये लोग ने पूरा ऐसे मतलब HD ये जो स्क्रीन लगा हुआ है HD क्लियरिटी की तरह स्क्रीन हिसाब से, तो वो जैसे कि मतलब आपको लगेगा पूरा थाईलैंड आपको उसमें लिफ्ट के अंदर ही स्क्रीन के पे दिखा देंगे। पूरा एनिमेशन के हिसाब से बनाया वो लोग ने और आपके कान भी बंद हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत स्पीड में ऊपर जाते हो आप। तो देखिए अब हम 74th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही मतलब हमें कम से कम 40 सेकेंड लगा होगा ऊपर पहुँचने के लिए गाइस। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी हमें 78th फ्लोर पे जाना है और उसके भी ऊपर दो है जो मतलब, तो समझ जाओ ये 80th फ्लोर का है पूरा टोटल। तो यहाँ पे भी लोग बैठते हैं, फ़ोटो क्लिक कराना है क्लिक करा सकते हो और ये इंजॉय कर सकते हो आप पूरा व्यू। तो हमने भी फ़ोटो क्लिक कराया यहाँ पे, ऊपर से आपको पूरा थाईलैंड दिखता है और ये पूरा 360 व्यू है। आपको कहीं भी अंदर से आप कहीं से भी पूरा 360 व्यू देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो 360 व्यू का। तो गाइस देखिए ऊपर से ये बहुत ही सुंदर लगता है इसके नज़ारे, और रात हो जाती है जब इवनिंग में तो और भी अच्छे लगते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करा लिया है। अब यहाँ से एक एलिवेटर है जो आपको 74th फ्लोर से यहाँ से एक लिफ्ट भी है और स्टेयरकेस भी है। तो आपको 78th फ्लोर पे जाने के लिए आपको लिफ्ट से जाना है तो आप लिफ्ट से जा सकते हो और स्टेयर से जाना है तो स्टेयर से जा सकते हो। तो ये एक्चुअली में ये तो एग्जिट है बट यहाँ से एंट्री भी है, मतलब आप जा सकते हो। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से लिफ्ट भी है और स्टेयरकेस भी है, आपको लिफ्ट के अंदर से भी पूरा 360 व्यू पूरा दिखने मतलब देख सकते हैं। और आपको वो ये मिल रहा है शू वॉकर, जो आप ऊपर स्काई वॉक पे
मतलब ये पहन के आप वॉक कर सकते हो, तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो आप उस पर नहीं जा सकते। तो ये लेना ना भूलिए यहाँ से। तो अभी हम लिफ्ट से नहीं जा रहे, अभी हम लिफ्ट में जा रहे हैं। तो देखिए गाइस, लिफ्ट से भी हमें पूरा 360 व्यू का मिल सकता है देखने के लिए, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और जो मैं स्टेयरकेस भी, आप उससे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई, तो मेरी मम्मी बोला पहुँच के फ़ोन कर देना, तो मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया। तो गाइस देखिए ऊपर से कितना प्यारा व्यू है, आप पूरा बैंकॉक देख सकते हो, जो कि बहुत ही ऊपर से देख के आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ हम एकदम टॉप पे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर और स्टेयर कैसे, तो गाइस इसके ऊपर आप जाओगे तो इसके ऊपर पूरा ओपन है, उस पे से तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा व्यू। यहाँ से तो थोड़े ग्लासेस उन्होंने लगा के रखा है 74th फ्लोर पर, बट इसके ऊपर भी जाओगे 78th फ्लोर पर और तो मतलब पूरा ओपन एरिया है, और पूरा मतलब ओपन है लेकिन वो लोग पूरा प्रोटेक्शन के साथ रखे हैं, किसी को भी कोई चीज़ की हार्म नहीं हो सकते। तो गाइस देखिए मैं अभी स्काई वॉक कर रही हूँ, जो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ एक हवे में चल रहे हैं, और यहाँ से पूरी छोटे छोटे जो मतलब बड़े बड़े यहाँ पे भी 50-60 फ्लोर के जो बिल्डिंगें हैं वो सब दिखती है, सीधा नीचे रोड दिखते हैं, ऐसा लगेगा कि आप सबसे ऊपर हैं। जिसको मतलब हाइट से फोबिया है तो वो ना जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइट है ये, 80 फ्लोर मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो मज़ा आ रहा था, मुझे फोबिया नहीं है हाइट से, मुझे मज़ा आता है देखने से ये सब। तो हम एंजॉय कर रहे हैं, देखो गाइस फ़ोटो कितने अच्छे अच्छे आते हैं, आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना मतलब अलाउड नहीं है, अगर आप सिंगल जा रहे हो तो किसी से फ़ोटो क्लिक करा सकते हो आप। थोड़ा यहाँ पे लोग ने ऐसे बनाया है कि आप बाहर से ही फ़ोटो ले सकते हैं, अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं करते ये लोग। आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, लोग ने साइड साइड में सिटिंग अरेंजमेंट जैसे बनाया, आप वहाँ पे भी बैठ के फोटो क्लिक करा सकते हैं अपना। तो गाइस अभी शाम होने वाली है, तो जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे पूरा थाईलैंड बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरी ऊपर से सारे पूरी मतलब एकदम लंबी लंबी बिल्डिंगे दिख रही हैं, और हमारा होटल और मतलब सब दिखेगा ऊपर से। आप अपने मतलब देखो ये आइकॉनजियम मॉल है, जो कि जब इवनिंग में भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। यहाँ पे हम लोग गए थे, और जैसे उसके बाजू में थोड़ा आगे हमारा होटल भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू, और ये है एशियाटिक जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं यहाँ के। इसके एशियाटिक के जस्ट बाजू में हमारा होटल है रमादा प्लाजा। तो गाइज आप ऊपर से जहाँ भी स्टे कर रहे हो, आप ऊपर से ही पहचान जाओगे कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो, क्योंकि ऊपर से पूरा ओपन एयर दिखता है आपको और पूरा क्लीन दिखता है। तो आप यहाँ पे पूरा लोग ने स्टेयर जैसा बनाया है, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया दिए हैं, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, अपना कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी जो भी पीते हो आप ले के यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। गाइस आप देख रहे हैं ये थोड़ा रश है, क्योंकि ये न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पे थोड़ा रश रहता है ज़्यादा, और बाकी दिन आप जा सकते हो वहाँ पे, उतने दिन मतलब बाकी दिन में इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो हम तो न्यू ईयर पे गए थे तो हमें थोड़ा भीड़ मिली थी, तब यहाँ से हम देखिए फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, और सनसेट हो रहा है, तो सब सनसेट का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी सनसेट हो, बाकी बहुत लोग टाइम लैप्स भी लगा के बैठे थे। तो हम सोचे कि अभी सनसेट को थोड़ा टाइम है, तब तक हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी अगर जो भी लेना है वो आप ले के इंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो और सनसेट मतलब देख सकते हो। तो हमने कॉफ़ी लिया और बैठ के सनसेट इंजॉय कर रहे थे। और ऊपर से आपको मेट्रो रोड साइड रिवर साइड सब दिखता है गाइस, बहुत ही सुंदर लगता है ऊपर से। तो ये देखो आइकॉनजियम है, जो लाइटिंग पूरा मैंने आपको दिखा पहले बताया था, तो आइकॉनजियम में बहुत अच्छा लगता है ऊपर से दिखने में।
और देखिएगा ये सब लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं और ड्रिंक विंक जो भी कॉफ़ी टी जो भी लेना है आप लेके एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे पूरा कैफे एरिया जैसे बना के रखे वो लोग टेबल एंड ऑल, आप उस पर बैठ सकते हो। तो देखिए गाइस रात हो गया है और रात को तो और भी अच्छा लगता है, बैंकॉक पूरा लाइटिंग से एकदम चमकता रहता है, बहुत ही सुंदर लग रहा था रात को। और आइकॉन्जियम भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको ये आइकॉन्जियम है सामने जो येलो कलर की लाइटिंग में दिख रही है, और वो जो जो लंबे लंबे ये सब दिख रहे हैं वो सब आगे वो सब मंदिरें हैं वटन और वो सब जो हमने कवर किया था। तो यहाँ पे जाना वर्थ इट है गाइस, आप ऐसा लगेगा कि आप पूरी दुनिया देख रहे हो, पूरी थाईलैंड देख रहे हो ऊपर से, बहुत ही अच्छा लगता है। जो कि हम फ्लाइट से भी जाते हैं तो इतना हमें इतने अच्छे से देख नहीं सकते, वो एक दो सेकंड के लिए रहता है जो आप देख सकते हो, वो भी पूरा नहीं देख सकते। यहाँ पे तो आप पूरे 360 डिग्री पूरा इंजॉय कर सकते हो व्यू। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, हमारा हो गया इवनिंग का टाइमिंग, आपको बैठना है तो बैठ सकते हो। अभी हम देख लिए सनसेट और इवनिंग का भी लाइटिंग वगैरह, तो अब हम नीचे जा रहे हैं स्टेयरकेस के थ्रू। तो अब जा रहे हैं, तो हम 74th फ्लोर तक जाएंगे स्टेयरकेस से नीचे, और फिर उसके बाद लिफ्ट है वहाँ से 74th फ्लोर से आपको नीचे के लिए लिफ्ट मिलेगी। बट अब नीचे वो लोग सीधा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लेके जाते हैं, वो लोग 4th फ्लोर पे आपको उतार देंगे। बट 4th फ्लोर पे क्यों उतारते हैं, क्योंकि जो नीचे वो लोग ने फ़ोटो क्लिक कराया था वही फोटोग्राफी वो लोग डिजिटल मतलब एक फ्रेम में देंगे और लिंक में भी देंगे, और आपको देखिए गाइस एक फ्रेम जैसा बना के देते हैं जो कि पेपर का होता है। जैसे जिस स्पीड से वो लोग ऊपर लेके गए थे 480 के, सेम 480 के स्पीड से वो लोग नीचे भी लेके आते हैं गाइस। तो आपके कान थोड़े बंद हो जाते हैं इस टाइम, ऊपर जाते टाइम भी और नीचे आते टाइम भी। तो ये लोग सीधा 4th फ्लोर पे उतार देंगे आपको, और यहाँ से आप अपने फ़ोटो क्लिक करा मतलब कलेक्ट करा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो ये लोग देखिए गाइस ये पूरा डिजिटल जैसा फ़ोटो एडिट करके देते हैं लोग, बहुत ही अच्छा रहता है। और ये 314 मीटर ऊपर है, तो ऐसे फ़ोटो मतलब ये लोग लिंक भी देते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज ये लोग पूरा बुकलेट जैसा बना के देते हैं जिसके चार्जेस है 200 बात, तो वो भी आप ले सकते हो। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।